दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जॉब करने का। दोस्तों दसवीं वाले भी जॉब कर सकते हैं, दसवीं वालों के लिए भी वैकेंसी निकली है, बारहवीं वालों के लिए भी वैकेंसी निकली है, आईटीआई वालों को लिए भी वैकेंसी निकली है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीटेक, एमफिल, पीएचडी, यानी जो भी कोर्स आपने किया है अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बस स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचिंग में या नॉन टीचिंग में जॉब कर सकते हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, नौकरी करने का, जॉब करने का, नॉन टीचिंग में भी जॉब करने का। दोस्तों जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और देश के बहुत ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, लेकिन टॉप 10 में तो अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और डीयू, यही सारे टॉप 10 में आते हैं। टॉप 10 की यूनिवर्सिटी में अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बच्चों का एडमिशन होता है, प्लस आप जॉब के साथ साथ अपना पढ़ाई भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका दसवीं के बाद नौकरी लग जाता है, बारहवीं के बाद नौकरी लग जाता है, फिर भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बारहवीं कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में ही रह के आप जॉब भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो जॉब करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा और पढ़ाई करना भी आसान हो जाएगा, आप एक तरह का फैकल्टी बन जाएंगे और आपका एडमिशन में भी आपको छूट मिलेगा और आपके आने वाले जो बच्चे होंगे, फ्यूचर होंगे, उनके लिए भी मौका मिलेगा, एडमिशन के लिए छूट मिलेगा। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, जैसे बच्चों के लिए जैसे एडमिशन होता है तो बच्चों को रहने के लिए क्या मिलता है, हॉस्टल मिलता है, उसी तरह टीचरों को रहने के लिए टीचर्स हॉस्टल मिलता है। तो दोस्तों जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्वार्टर्स मिलता है, सरकारी क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, जैसे धोनी जी के पापा मिकॉन में जॉब करते थे तो मिकॉन में उनको मिला था रहने के लिए रांची में, तो धोनी जी रहने वाले उत्तराखंड के, लेकिन उनके पापा जॉब करते थे मिकॉन इंडिया में जो कि झारखंड में स्थित है, उसका कंपनी है, उसी इस कंपनी में पंप ऑपरेटर थे, आपने धोनी फिल्म भी देखा होगा। तो उसी तरह की वैकेंसी निकली है कि आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है कि आपका जो करियर होता है ना बहुत आगे तक जाता है। तो दोस्तों ए टू जेड मैं आपको बताता हूं, पहले मैंने आपको फायदा बता दिया, क्योंकि जब तक फायदा नहीं बताऊंगा फिर कोई वीडियो नहीं देखता है। जब तक आपको फायदा नहीं होगा आप क्यों वीडियो देखेंगे, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा तो आप कोई फिल्म और गाने देख लेंगे। तो दोस्तों ये नोटिस आया एक्सटेंशन का, टीचिंग पोस्ट के लिए भी डेट खत्म हो गया था लेकिन इसको बढ़ा के 31/8 तक कर दिया गया है, यानी अगस्त में जो टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं उनका लास्ट डेट 31 अगस्त कर दिया गया है। ये नोटिस आई है 22 जुलाई को, उसके बाद ये 24 जुलाई को नोटिस आई है जो नॉन टीचिंग है, एनटी जो लिखा हुआ है यहां पे, एनटी एनटी मतलब नॉन टीचिंग, तो नॉन टीचिंग वालों का भी जो डेट है वो बढ़ा के कर दिया गया है, कब तक, 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक कर दिया गया है। उसी तरह टीचिंग का ये जो टी है इसका भी 31 अगस्त तक कर दिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मौका दे दिया गया है, जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग देख लेंगे। टीचिंग का देख लीजिए, सबसे पहले टीचिंग का जो है वो 30 पेज का ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें देखिए क्या क्या पोस्ट है। इसमें जो पोस्ट है प्रोफेसर या डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट, सबका पे स्केल दे रखा है, बहुत अच्छा पे स्केल है। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की नौकरी कितनी अच्छी होती है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये तो सरकारी जॉब इनके स्टेट के अच्छे होते ही है, प्लस अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का है तो सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये टीचिंग पोस्ट है, इसमें एमफिल वाले, पीएचडी वाले प्लस मास्टर डिग्री विद एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर जो कर रखा है उसको तो पता ही होगा कैसे देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दसवीं बारहवीं वाले के लिए। तो ये टीचिंग वाले 30 पेज का है, इसमें स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, और जो एमफिल और पीएचडी किए हैं उनके लिए तो आसान है ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, लेकिन जो दसवीं बारहवीं कर लिए हैं या जो ग्रेजुएशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो बहुत सारे लोग स्टेट गवर्नमेंट से करते हैं जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपकी आसानी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बंपर वैकेंसी है, कितना बंपर वैकेंसी है, 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका फायदा उठाइएगा, बहुत सारे वैकेंसीज हैं, कोई डिपार्टमेंट छूटा नहीं है, तो सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है। ये 30 पेज का है, मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है पूरा दिन लग जाए। मैं बताऊंगा नॉन टीचिंग वाले, नॉन टीचिंग स्टाफ मतलब जैसे दसवीं वाले, बारहवीं वाले, कलर पोस्ट पे, ऑपरेटर्स पोस्ट पे, आईटीआई वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, जो टीचिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते थे उनका 8 तक लास्ट डेट तक बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार का पोजीशंस है 2, उसके बाद डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर भी 2 चाहिए इनको, एमयू सेंटर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में प्राइवेट सेक्रेटरी चाहिए। अब प्राइवेट सेक्रेटरी क्या देखिए, सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, कितना बैचलर डिग्री, कोई भी बीए किया हुआ, बीएससी किया हुआ, बी कॉम, बी सी ए, बी फार्मा, बैचलर लगा होना चाहिए अगर है, और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस है वर्किंग एज ए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पे स्ट्रक्चर है, 44,900 से लेके 1,42,000 प्लस अलाउंसेस अलग से मिलेंगे और रहने के लिए क्वार्टर्स भी मिलते हैं, बहुत बड़ी बात होती है, आपको कहीं रहने को भी मिलेगा जहां लाइट नहीं कटती है, जहां प्लेग्राउंड होता है, जहां स्विमिंग पूल होता है, जहां स्कूल्स होता है, मतलब हर सेटअप रहता है उस एक बाउंड्री के तहत, और वहां सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, तो कितना अच्छा फैसिलिटीज में। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है ए टू जेड, मैं जितने नॉन टीचिंग है पोस्ट का बताऊंगा, दसवीं बारहवीं वाले ध्यान से देखिए। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए
पे स्ट्रक्चर है, पे बैंड लेवल 5, और इसमें बीएससी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर जो बीएससी किया है 2 साल के लिए तो भी अप्लाई कर सकता है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोई भी ब्रांच में किया हुआ अगर उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के बाद तो अप्लाई कर सकता है टेक्निकल असिस्टेंट में। अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई, किसी ने आईटीआई कर रखा है प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, तो वो टेक्निकल असिस्टेंट बन सकता है। डिजायरेबल है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, वो तो सभी को पता है, जो मोबाइल चलाता है वो कंप्यूटर भी चला सकता है क्योंकि मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। तो इसमें आईटीआई वाले 4 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वाले 3 साल के लिए, बीएससी वाले 2 साल के लिए, ये टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट एक है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लैब असिस्टेंट की बात है, लैब असिस्टेंट एमयू सेंटर मुर्शिदाबाद में सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 10+2 12वीं विथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इस लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने हाई स्कूल किया है 10वीं किया है और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही काफी नहीं, आगे और भी वैकेंसी है। देखिए, एक तिबिया कॉलेज के लिए रिसर्च असिस्टेंट चाहिए, इसमें एमएससी चाहिए, एमएससी विथ 55% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च असिस्टेंट के लिए। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में देखिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, डिप्लोमा अगर किसी ने सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है, आपकी जरूरत नहीं होगा तो किसी और को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या बीटेक किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 से लेकर 1,12,000 तक का इसमें पे स्केल है। कैशियर है बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, बैचलर डिग्री है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है क्लर्कियल पोस्ट पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस वाले कैशियर में, या आपने इंटर कर रखा है और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ क्लर्क में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ कैशियर में। मेसन घर बनाने वाला, राजमिस्त्री है, 10वीं किए हुए हैं विद आईटीआई भी है अगर कोई भी ट्रेड में, तो मेसन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा इसमें पे स्केल है, 21,000 से लेकर 70,000 में, प्लस रहने खाने का बहुत सारी चीजें मिलती है, खाने का नहीं रहने का मिलता है। हाई स्कूल के साथ अगर 6 साल का एक्सपीरियंस है मेसन में, यानी कोई राजमिस्त्री का काम करता है और हाई स्कूल के पास उसके पास सर्टिफिकेट है तो मेसन के लिए अप्लाई कर सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो फैकल्टी नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ में जॉब मिल जाएगी। प्लम्बर के लिए भी है, हाई स्कूल किया है विद आईटीआई है तो प्लम्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने सिर्फ 10वीं किया है, हाई स्कूल किया है प्लस 6 साल का एक्सपीरियंस है प्लम्बिंग में तो प्लम्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21,000 से लेकर 70,000 के आसपास इसमें पे स्केल है। प्लम्बर पंप ऑपरेटर जो पंप ऑपरेटर थे धोनी जी के पिताजी मेकॉन में, तो पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, हाई स्कूल आईटीआई के साथ है, हाई स्कूल प्लस आईटीआई तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या हाई स्कूल के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस, अगर किसी के पास आईटीआई नहीं है तो 6 साल का एक्सपीरियंस है तो पंप ऑपरेटर में अप्लाई कर सकता है। अब ड्राइवर के लिए जो इसमें एलिजिबिलिटी है, हाई स्कूल होना चाहिए, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, होल्डिंग एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में, कैपेबल ऑफ माइनर रिपेयर्स ऑफ व्हीकल्स, अगर छोटा मोटा अगर गाड़ियां खराब होती है तो बहुत सारे ड्राइवर बना भी लेते हैं, तो क्या होगा आपके लिए ड्राइवर में नियुक्ति हो जाएगा, आप एमयू का पार्ट हो जाएंगे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी। ये सेंट्रल ऑटोमोबाइल वर्कशॉप डिपार्टमेंट में है। रिसेप्शनिस्ट है, यानी कहीं भी आप कॉलेज पे जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं तो फ्रंट एंड पे जो ऑफिसर बैठे रहते हैं उसको रिसेप्शनिस्ट भी बोलते हैं। तो फ्रंट एंड पे जो आदमी बैठे रहते हैं, जो जिसको आप इंक्वायरी करते हैं, जैसे रेलवे में जाते हैं तो इंक्वायरी काउंटर होता है, उसी तरह हर स्कूल कॉलेज में एक इंक्वायरी ऑफिस होता है जहां पे आप जाते हैं तो जिसे बात करते हैं उसको रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने 12वीं कर रखा है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है क्लर्कियल ग्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं रिसेप्शनिस्ट में। सीनियर मैकेनिक के लिए है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं सीनियर मैकेनिक में, मीटर के लिए है। और हाई स्कूल और आईटीआई जिसने कर रखा है उसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जिसने डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी किया 2 साल के एक्सपीरियंस वाले सीनियर मैकेनिक में अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी देखिए, इसमें चाहिए कि एमसीए है, पीजीडीसी है या बीटेक किसी भी स्ट्रीम में, और नॉलेज ऑफ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट डिजाइन अंडर ओरेकल डेवलपमेंट सूट है तो आप टेक्निकल पर्सनल असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर में अप्लाई कर लीजिए। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीएससी विथ एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डेटा प्रोसेसिंग इन टाइम शेयरिंग है तो आप टेक्निकल पर्सनल असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए इंजीनियरिंग फैकल्टी में बहुत अच्छे अच्छे वैकेंसी है, ये मौका कब वैकेंसी आगे निकलेगा कोई पता नहीं है, जब निकला है अप्लाई कर लीजिए, पता नहीं कितने साल के बाद फिर निकलेगा। ऑडियो विजुअल मैकेनिक डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स में, डिप्लोमा किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में किया है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑडियो विजुअल मैकेनिक में वो अप्लाई कर सकता है, या हाई स्कूल किया है सिर्फ और ऑडियो विजुअल मैकेनिक इलेक्ट्रिशियंस वायर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक विद 5 ईयर एक्सपीरियंस है, मतलब हाई स्कूल के साथ किसी ने आईटीआई कर रखा है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑडियो विजुअल मैकेनिक में अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट 12वीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या 12वीं विद 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं हाई स्कूल के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और इंटर के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लैब असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम स्टडीज में
फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, बीएससी विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल कॉलेज इन द रेलिवेंट फील्ड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या बीएमएलटी आपने किया है और 4 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी मेडिकल कॉलेज में तो आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन यानी हॉस्पिटल में। सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12वीं अगर आपने कर रखा है, उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया है और 6 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा लेने के बाद, तो आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हैं, अप्लाई कर लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है, आई बटन पे वीडियो मिलेगा, आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, इसमें बीएससी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में, बीएमएलटी वाले के लिए 2 साल, अगर किसी ने 12वीं के बाद डिप्लोमा मेडिकल लैब किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकता है टेक्निकल असिस्टेंट में। लैब असिस्टेंट में अगर जिसने 12वीं किया है 2 साल का एक्सपीरियंस है तो लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, या जिसने 10वीं किया है और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है बीएससी या डिप्लोमा इन बीएससी विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है 3 साल का एक्सपीरियंस है, या बीएससी इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है 4 साल का एक्सपीरियंस है, या आपने 12वीं कर रखा है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब किया है और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आप बन सकते हैं एएमयू के मेडिकल सेंटर में यानी मेडिकल हॉस्पिटल में। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है 12वीं के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, 10वीं के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, बीएससी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जिसने कर रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, वो अप्लाई कर सकते हैं, और बीएससी किया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इन न्यूरोलॉजी, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी साइंस विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वो अप्लाई कर सकता है, इंटर विद 4 ईयर एक्सपीरियंस, इंटर के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में तो आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में अगर आपने 10वीं किया 12वीं किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस और 10वीं किया है तो 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर डिग्री किसी ने किया है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में। लैब असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में है, इसमें किसी ने 12वीं कर रखा है 2 साल का एक्सपीरियंस और 10वीं कर रखा है 4 साल के एक्सपीरियंस वाले तो लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी लैब असिस्टेंट के में है सब 10वीं 12वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें बीएससी प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पैथोलॉजी में जिसने किया और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसटीए में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, या टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बीए बीएससी बीकॉम विथ 2 साल का एक्सपीरियंस है स्टोर कीपिंग या मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रजिस्टर में तो आप टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर के बन सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी। तो बीएससी बीकॉम और बीएससी बीए वालों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है एएमयू में जॉब करने का। लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी बहुत अच्छा है, जिसने अगर 12वीं 10वीं कर रखा है प्लस आईटीआई कर रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है ऑपरेशंस में और थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस भी कर लेता है तो लिफ्ट ऑपरेटर में जॉब कर सकता है, बहुत अच्छा जॉब है क्योंकि वहां के हॉस्पिटल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसमें लिफ्ट है तो लिफ्ट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है। अगर आपने 10वीं किया है और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन किया है या वायर में तो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना अच्छा मौका है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में है बीएससी और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी में किया 3 साल का एक्सपीरियंस, या जिसने बीएससी किया है 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर डिप्लोमा मेडिकल लैब नहीं है तो भी चलेगा अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में। अब आता है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में, इसमें लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है 10वीं के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस 12वीं के बाद 4 साल का एक्सपीरियंस तो आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फील्डमैन है, फील्डमैन के लिए ग्रेजुएट चाहिए बायोसाइंसेज में प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट फील्ड में आफ्टर ग्रेजुएशन तो आप फील्डमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ साइंसेज के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो 3 डेट्स में फरहान कुरैशी रहते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में, इसमें क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी है 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, इसमें एमए वाले अप्लाई कर सकते हैं 8 साल के कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, या पीएचडी है आर्कियोलॉजी में तो आप डिप्टी डायरेक्टर बन सकते हैं, डायरेक्टर तो बहुत बड़ी बात होती है। असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट है, इसमें एमए मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में है 1 साल का एक्सपीरियंस आर्कियोलॉजिकल में है तो आप असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग एंड ड्रॉइंग, या डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिप्लोमा के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री के साथ फाइन आर्ट्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस वाले टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में। अब आते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में, इसमें आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट चाहिए बीएससी जियोलॉजी की है 1 सब्जेक्ट से प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है पेंटिंग क्ले मॉडलिंग टीचिंग में तो अप्लाई कर सकता है, या 4 ईयर्स का डिप्लोमा किया है फाइन आर्ट्स में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आर्टिस्ट में। फील्डमैन के लिए वैकेंसी है, इसमें 12वीं सीनियर सेकेंडरी चाहिए यानी 12वीं प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं फील्डमैन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में, यानी 12वीं के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए
बीटेक या बीएससी विद 55% एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के, तब आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, बीटेक या बीएससी विद 55% मार्क्स विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन, अगर बीटेक बीएससी किए हैं तो 2 साल के एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग किए हैं तो आपके साथ चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस, तो भी आप टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के बाद देखिए, इसमें हमेशा 12वीं के साथ 2 साल के एक्सपीरियंस और 10वीं के साथ 4 साल के एक्सपीरियंस है तो आप लैब असिस्टेंट बन सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, बीटेक या बी किया है जिसने, विद 1 साल के एक्सपीरियंस है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, ये अप्लाई कर सकते हैं लेवल 5 में। इनके बीएससी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या जिसने आईटीआई कर रखा है उसके साथ 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो टेक्निकल असिस्टेंट आप बन सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में। लैब असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 10वीं के साथ आपके 4 साल का एक्सपीरियंस, 12वीं के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी में पेश नमाज, इसमें फाजिले दिनियात चाहिए फ्रॉम इलाहाबाद या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी रिप्यूटेड शिया रिलीजियस सेमिनरी से, या आप इज्जा सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रिप्यूटेड उलमा एडुकेट एक्विटेंसेज ऑफ किरात एंड तजवीद स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स ऑफ इस्लाम डिजायरेबल एम थियोलॉजी और एमए वाले पेश नमाज में अप्लाई कर सकते हैं। यूनानी मेडिसिन में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर के लिए है, बीए बीएससी या बीकॉम किया है, 3 साल के एक्सपीरियंस स्टोर कीपिंग मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रजिस्टर में तो आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर के लिए हॉल्स ऑफ रजिस्टेंट में, अगर आपने किसी ने हाई स्कूल किया है विथ आईटीआई है प्लम्बिंग में तो आप प्लम्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या किसी ने 10वीं किया है और 8 साल के एक्सपीरियंस है तो प्लम्बर में अप्लाई कर सकता है। एमएम हॉल में एक प्लम्बर की जरूरत है, अगर किसी ने 10वीं किया है और आईटीआई किया है तो अप्लाई कर सकता है, या किसी ने 10वीं किया है 8 साल का एक्सपीरियंस है तो प्लम्बर में अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रीशियंस काम ट्यूबवेल ऑपरेटर है, अगर किसी ने आईटीआई कर रखा है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ट्यूबवेल ऑपरेटर में अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रीशियन काम ट्यूबवेल ऑपरेटर, इसमें अगर किसी के पास आईटीआई है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या वायरमैन में तो अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रीशियन कम ट्यूबवेल ऑपरेटर में 5 ईयर के एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, इसमें आपको एमबीबीएस डॉक्टर की जरूरत है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल सब्जेक्ट, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर बन, मेडिकल ऑफिसर। फार्मासिस्ट के लिए आपके पास इंटरमीडिएट है, 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी है और रजिस्टर्ड है, आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई फार्मासिस्ट के लिए कर लीजिएगा, या बी फार्मा है और आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप कर सकते हैं। यानी अगर आप 12वीं के साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर फार्मेसी दोनों अप्लाई कर सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए। रिसेप्शनिस्ट चाहिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए बैचलर डिग्री है रिकॉग्नाइज और क्लर्कियल में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं रिसेप्शनिस्ट के लिए, या अगर किसी ने 12वीं कर रखा है और 5 साल का एक्सपीरियंस है क्लर्कियल में तो वो अप्लाई कर सकते हैं रिसेप्शनिस्ट के लिए। लिफ्ट ऑपरेटर की जरूरत है, आईटीआई वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई इलेक्ट्रीशियंस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टेलर जो दर्जी है वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर हाई स्कूल है और टेलरिंग कटरिंग का कहीं से सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, ज्यादातर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है या कहीं कहीं 2 महीने 3 महीने का कोर्स होते हैं टेलर का, अगर उसने किसी ने कर रखा है तो अप्लाई कर सकता है। टेलर चाहिए मेडिकल हॉस्पिटल में जो कपड़े बनाते हैं रोगी लोगों का। लैंड एंड गार्डनर्स के लिए ट्यूबवेल ऑपरेटर चाहिए, लैंड एंड गार्डनर्स के लिए हाई स्कूल या आईटीआई, हाई स्कूल विद आईटीआई चाहिए, आईटीआई फिटर इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर में है तो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या हाई स्कूल के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस है वो ट्यूबवेल ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, आई बटन पे या वीडियो के एंड पे होगा, आप अप्लाई करें। डिप्टी लाइब्रेरियन चाहिए, इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए, 8 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर पीएचडी है तो वेल एंड गुड, एविडेंस इनोवेशन लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग, बहुत सारे डिप्टी लाइब्रेरियन, बहुत बड़ा पोस्ट है क्योंकि इसमें 80,000 से लेकर 2 लाख सैलरी है तो ये तो खुद पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हाई स्कूल के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस या 12वीं के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मौलाना आजाद लाइब्रेरी में। प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए, इसमें ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में। और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए है, इसमें सिक्योरिटी इंस्पेक्टर में ग्रेजुएट 50% मार्क्स, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिक्योरिटी मैनेजर सुपरवाइजर नॉन कमीशन ऑफिसर पोजेशन ऑफ वैलिड स्मॉल आर्म्स लाइसेंस वीपन्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब यूनिवर्सिटी स्कूल्स में जाते हैं प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल की वैकेंसी है एकेडमिक में, आप देख सकते हैं एएमयू एबीके यूनियन हाई स्कूल है, इसमें है प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल के लिए तो बहुत बड़े लोग अप्लाई करेंगे, उसके लिए स्कूल टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी है यूनिवर्सिटी स्कूल टीचर में, देखिए उर्दू बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स शिया थियोलॉजी हिस्ट्री लाइफ साइंस केमिस्ट्री, बहुत सारे एज लिमिट मैक्सिमम 40 साल है तो अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी। उसी तरह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है इंग्लिश मैथमेटिक्स, इसमें भी बहुत सारे वैकेंसीज है, तो बहुत सारे वुमेन्स कॉलेज में भी वैकेंसी है, मास्टर डिग्री इतनी वैकेंसी है दोस्तों कि मैं अभी आ गया हूँ आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे,
ये स्कूल्स की वैकेंसी है, स्कूल्स के लिए देख लीजिएगा, जो बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फार्मासिस्ट और भी वैकेंसी हेल्थ सेंटर में, अगर किसी ने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है बी फार्मा वो अप्लाई कर सकता है। और असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, कैसे अप्लाई करना है ये इंपॉर्टेंट बात है, एक सेपरेट मैंने वीडियो बना रखा है कैसे अप्लाई करना है, आई बटन पे मिल जाएगा या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी देखने के लिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह टीचिंग में देखिए, ये तो 20 पेज का तो इतना टाइम लगा, टीचिंग में 30 पेज का है, तो बहुत सारे वैकेंसी है। 31 अगस्त तक लास्ट डेट है, आप देख लीजिए 31 अगस्त तक लास्ट डेट है, आप लोग बेहिचक जाके इसमें अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलता है, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, बार बार वैकेंसी नहीं आएगी, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर जरूरत नहीं है तो देश में हर ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जॉब की जरूरत है, और एक पुण्य और नेकी का काम कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिएगा ना, तो उसमें जब तक उनको रोजगार चलता रहेगा तब तक आपको नेकी का अज्र और पुण्य का जो अज्र है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।